आज हम लोग पढ़ेंगे जो 11 का मैथमेटिक्स, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर नंबर तुमको 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस तुम्हारा हुआ कि जो कि जो टर्म्स लिखे जाएं, अगर एक रूल को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। The term written obeying certain rule is called sequence, इसको कहेंगे हम लोग सीक्वेंस। और अगर इस सीक्वेंस का, जैसे कि तुमको कोई पर्टिकुलर रूल के आधार पर लिखें, जैसे कि तुमको 2, 5, 8, 11 ये सब एक पैटर्न लिखा हुआ है कि सब में डिफरेंस तुम्हारा 3 है, ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल हुआ। दूसरा हो सकता है तुमको जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8... ये भी एक सीक्वेंस है कि आपका देखिए जो डिनोमिनेटर है वो एक, मैंने इसका डिफरेंस कांस्टेंट है। दूसरा सीक्वेंस हो सकता है, तो ये सभी एक सीक्वेंस के एग्जांपल हुए, 2, 4, 8, 16, 32... ये तुमको क्या हो गया, ये भी एक सीक्वेंस का एग्जांपल हुआ। तो ये सब भी अलग अलग तरह के सीक्वेंस हैं। और जब इसी टर्म को हम लोग एक सम के रूप में लिखते हैं जिसको, तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। तो सीरीज जैसे हो गया, तुमको सीरीज कहेंगे इसी टर्म को, तुमको लिख देंगे जैसे कि 2+5+8+11, ये तुमको कहलाएगा, ये इसको इस टर्म से लिखें तो ये कहलाएगा एक सीरीज कहला जाएगा ये। तो किसी सीक्वेंस के टर्म, जैसे सीक्वेंस में तुमने जो क्लास 10 में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है जिसमें डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, उसके बाद रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि तुम्हारा इसमें देख रहे हो रेशियो, जैसे 4/2, 8/4, इसे अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। और एक होता है जबकि उसके जो रेसिप्रोकल हैं, अगर ए पी का रेसिप्रोकल कर दें तो वह तुमको एच पी कहलाता है। ये तीन तरह के यहाँ सीक्वेंस लिखेंगे जिसको तीनों का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। जैसे कि पहला जो तुम्हारा है, इसको हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ये तुमको अर्थमेटिक सीक्वेंस। और भी बहुत तरह के सीक्वेंस जो मैंने तीन एग्जाम्पल दिए उसके मैं बात कर रहा हूँ, जो इससे तुम परिचित भी हो, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। अर्थमेटिक सीक्वेंस ये हो गया तुमको हार्मोनिक सीक्वेंस, ये हो गया हार्मोनिक सीक्वेंस, और ये हो गया तुमको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हो गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा यही हो गया। अब तुमको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया, तो ये तुम्हारा जो कि है तुमको ये सब सीरीज में तुमको लिखा हुआ है। तो ये तुमको तीन तरह के सीक्वेंस यहाँ पर हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी तो एवन का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो दो ही सीक्वेंस की पढ़ाई होगी, और उससे जुड़े हुए और भी सीरीज वगैरह के सम वगैरह के बारे में हम लोग आने वाले अलग अलग जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये तुम्हारा पहला तो तुम्हारा है जो कि सामान्य सीक्वेंस के बारे में है 3.1 में, तो जो कि एक जनरल फार्मूला से जो डील हो जाए। सीक्वेंस हैज ए जनरल फार्मूला, या जिसको हम लोग कहते हैं एनएच टर्म, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय ए जनरल फार्मूला। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय ए जनरल फार्मूला। तो इसका जैसे कि हो गया तुमको TN कहेंगे, इसका जैसे कि जनरल फार्मूला हो गया, जैसे कि कोई भी एनएच टर्म इसको लिखते हैं, जैसे TN इज इक्वल टू 5N+3, जैसे एक जनरल फार्मूला हो गया। n का वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट टर्म, 2, 3, 4... तो n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा तुमको फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये तुमको जैसे कि फर्स्ट टर्म निकालना था, n इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला होगा जिसके द्वारा सीक्वेंस को डिनोट किया जा रहा है। और तुमको इसी तरह के अलग अलग सीक्वेंस होंगे जो कि तुम्हारा 3.1 में एक अलग अलग सीक्वेंस दिए जाएंगे, उसके जो है 4 टर्म, 5 टर्म या नेक्स्ट टर्म, वो सब क्या करना होगा हमें फाइंड आउट करना होगा, जो कि हमारा एक्सरसाइज तुमको 9.1 है तुम्हारा, 9.1 ही है ना तुम्हारा।
तो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, बहुत आसान ही है एक्सरसाइज ये। तो इसके लिए हम लोग जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको 9.1 का पहला, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, तुम्हें बन जाएगा एग्जाम्पल 9.1। क्या है एग्जाम्पल पढ़ो। पहला एक नंबर लिखे हैं, टू एन प्लस फाइव, इसमें कितना टर्म लिखना है हमको, फर्स्ट थ्री टर्म, तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। एन इजिकल टू पहला क्या लिखते हैं वन, तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो गया, टू इंटू वन प्लस फाइव, दैट्स इक्वल टू सेवन। ए टू क्या होगा तुम्हारा, टू इंटू टू प्लस फाइव, दैट्स इक्वल टू फाइव प्लस फोर कितना होगा, नाइन। ए टू हो गया, ए थ्री कितना है तुमको, टू इंटू थ्री प्लस फाइव, दैट्स इक्वल टू इलेवन, ये कितना हो गया, इलेवन। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब क्या हो, फर्स्ट थ्री टर्म हो गया तुम्हारा। सेकंड क्या है, टी एन बराबर ए एन इक्वल्स टू टोटल में फोर बाय फोर, टोटल बाय फोर। तो आसान है, इसमें ए का वैल्यू वन रख दो, टू रख दो, थ्री रख दो, तो जैसे यहां पर आए वही बन जाएगा। और है इसमें दिया हुआ, नहीं है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एन का वैल्यू वन टू थ्री रखिए तो ये आराम से आपका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थ्री एन, तो इसमें ट्वेंटीएथ ना, तो ट्वेंटीएथ टर्म, ए ट्वेंटीएथ क्या हो जाएगा इसका, ए ट्वेंटीएथ ना, ए ट्वेंटीएथ क्या होगा, एन की जगह क्या रख देना है यहाँ पर, ट्वेंटीएथ, तो कितना जाएगा, एन माइनस वन है पहला, तो कितना हो गया, ट्वेंटी माइनस वन इंटू क्या होगा तुम्हारा, ट्वेंटी माइनस टू हो गया, इंटू कितना है तुम्हारा ये, थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री, तो ट्वेंटी माइनस वन कितना हो गया ये, नाइनटीन इंटू एटीन, इंटू कितना हो गया ये, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, कितना आंसर लिखा हुआ है, हाँ टू माइनस एन है, ओ तो माइनस हो जाएगा और क्या, तो कितना आंसर है, अच्छा तो माइनस लिख देते हैं, आप करेक्ट करते हैं, 7800 जो भी है निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी चेंज करना होगा, हाँ माइनस एटीन हो जाएगा, ठीक है हो गया, मतलब माइनस आ जाएगा। चलो और क्या है अगला, तीसरा, ए वन इज इक्वल टू वन, अच्छा रुक इसको मिटा दे रहे हैं, ए वन इक्वल्स टू वन, तीसरा है क्या है, ए वन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, तो क्या चाहिए हमको, फर्स्ट केमो टर्म, हाँ फर्स्ट फाइव टर्म, तो पहला टर्म तो है ही ए वन इक्वल टू वन। अब ए टू इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, है ए यहाँ पे टू लेना है, ए एन है ना यहाँ पर, तो ए टू बराबर क्या हो गया, ए टू माइनस वन, आप प्लस कितना हो गया ये टू, तो ए टू माइनस वन का तो मतलब वन हो गया प्लस टू, तो ए वन प्लस टू, तो ए वन कितना है तुमको, ए वन हो गया वन प्लस टू, दैट्स इक्वल टू थ्री। अब क्या है ये,
ए टू क्या हो गया, ये ए थ्री क्या होगा तुम्हारा, ए थ्री हो गया तुम्हारा ए थ्री माइनस वन प्लस टू, तो ए टू प्लस टू, तो ए टू कितना है यहाँ पर थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव। तो इसी तरह से निकालते चले जाएंगे, जैसे कि तीन टर्म हो गया, चौथा निकालिए, तो ए फोर इजिकल टू ए थ्री प्लस टू, ए थ्री का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, तो फाइव प्लस टू दैट्स इक्वल्स टू सेवन, ए फाइव निकाल दीजिए, ए फोर प्लस टू दैट्स इक्वल टू सेवन प्लस टू दैट्स इक्वल्स टू नाइन, तो ये तुम्हारा हो गया। चलो और एग्जाम्पल है, तो एक्सरसाइज में भी इसी तरह के मतलब इजी क्वेश्चन दे, तुम नाउ अब तुम क्या बना सकते हो उसका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 इजीली इतना जानकारी के बाद तुम बना सकते हो, और जहाँ पर सीरीज में रहेगा तो प्लस साइन के साथ लिखोगे तुम्हारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 9.1 आई होप कि बन जाएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा राइशो लैब के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया अब इसका सिक्वेंस का। अब है तुमको इसका जो अगला है तुमको जो एक्सरसाइज है जो कि 9.2 है तुम्हारा, तो उसमें तुमको 9.2 में दिया हुआ है एपी के बारे में दिया हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि पहले से तुम पढ़े भी होगे, और जाहिर है कि 9.1 पहले वन बना लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9.2 के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।